ऑडियंस ने कम सराहा इसे, इवन सेलिब्रिटी भी काफी नाराज थे इस सीजन से, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए ये सीजन जब मैं बिग बॉस 11 देखकर गई थी, मैंने पिछले सीजन जो देखे थे उनमें मैंने ये देखा था कि बहुत मस्ती हो रही है और यू नो शिल्पा जी जैसे नोक झोंक करना, विकास जी को छेड़ना, छेड़छाड़ हो रहा है। आई थिंक ये सीज़न सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जैसे दीपक हो गए, सुरभि हो गए, जिस तरह की लड़ाइयाँ घर में हो रही थी, रोहित जिस तरह से इरिटेट कर रहे थे मुझे और नेहा के साथ, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, ये सीज़न में अग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा रहा है कि कोई मस्ती एंड ऑल का कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट देखने का मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक जब मैं एज एन ऑडियंस अगर मैं शो को देख रही हूँ तो मैं देखना चाहूँगी कि कैसे शिल्पा जी और विकास जी मस्ती कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट वो इस सीज़न में हुआ नहीं। आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सीज़न की कि मस्ती मजाक हुआ नहीं, सिर्फ लड़ाई 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 हो रही है बस। जी शादी? अरे पहले लड़का तो ढूंढ लो मेरे लिए। मुझे बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यारा, जो मेरा ध्यान दे सके, मुझे इस तरह के लड़के पसंद है। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है और मैं सोच रही हूँ एक स्वयंवर कर लेती हूँ अभी, और ज़्यादा डिमांड्स नहीं है मेरे, कोई लड़का अगर कोई रोज़ एंड टेडी बेयर लेके ही आ जाए मेरे सामने और मुझे प्रपोज करे तो मैं देख लूँगी कौन सा वाला अच्छा है, चूज़ कर लूँगी। होपफुली ये वैलेंटाइंस डे मैं अकेली नहीं रहूँ। जी देखिए जो भी स्वयंवर होगा वो बहुत ही रियल होगा। राखी सावंत वाला वो एक शो था, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ करता था, लेकिन ये आप लोगों के सामने ही होगा, कोई टेलीविजन पे नहीं होगा, मीडिया के साथ होगा या मेरे घर पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा स्वयंवर मैं सोच रही हूँ, ऐसे ही फन में थोड़ा सा कर लेंगे। जी